नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धे टीवी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने भारत में इंटरनेट की दुनिया में नई हलचल मचा दी है, सैटेलाइट इंटरनेट। जी हाँ, अब एलन मस्क, एयरटेल और रिलायंस जियो जैसे बड़े खिलाड़ी इस रेस में शामिल हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये सैटेलाइट इंटरनेट और इसके पीछे इतनी होड़ क्यों मच रही है, तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट, जैसा कि नाम से पता चलता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है। ये खास तौर पर उन जगहों पर मददगार साबित होता है जहां परंपरागत ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाते, जैसे दूर दराज के गाँव, पहाड़ी इलाके या समुद्र के बीच। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे गाँव में हैं जहां ना तो मोबाइल टावर है ना ब्रॉडबैंड की सुविधा। यहां सैटेलाइट इंटरनेट आपकी मदद कर सकता है। आपकी डिश एंटीना सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से जुड़ जाती है और वहीं आपको इंटरनेट कनेक्शन दिलाती है। तो अब सवाल ये है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई इंटरनेट रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पहले आपकी सैटेलाइट डिश से सीधे अंतरिक्ष में भेजी जाती है। वहाँ से ये सिग्नल धरती पर बने नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर पर पहुँचाता है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है। वहाँ से डेटा सैटेलाइट के माध्यम से वापस आपकी डिवाइस तक आता है, यानी एक तरह का ट्रैफिक मैनेजमेंट जहाँ सिग्नल आ जा रहे होते हैं। ये काम चुटकियों में होता है, पर सिग्नल के इस आने जाने में थोड़ा समय लग जाता है, जिसे लेटेंसी कहते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला है ग्राउंड स्टेशन। ये धरती पर स्थित होते हैं और सैटेलाइट से डेटा भेजने और लेने का काम करते हैं। दूसरा है सैटेलाइट। ये धरती की कक्षा में घूमते हैं और दूर संचार के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है यूजर डिवाइस। आपके पास जो सैटेलाइट डिश और मॉडेम होते हैं, वो सिग्नल भेजने और प्राप्त करने का काम करते हैं। अब जानते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के कुछ खास फायदे। दूरदराज के इलाके में भी इंटरनेट, वो गांव जहां कोई केबल या मोबाइल टावर नहीं पहुंच पाता, वहां सैटेलाइट इंटरनेट बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मोबिलिटी, आप इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं जहां सैटेलाइट सिग्नल मिल रहा हो, मतलब जंगल में हो या पहाड़ों में, इंटरनेट आपके साथ रहेगा। पर जैसा हर चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, सैटेलाइट इंटरनेट में भी है। लेटेंसी, क्योंकि सिग्नल को धरती से अंतरिक्ष और फिर वापस आने में समय लगता है, इसलिए इंटरनेट में थोड़ी देरी हो सकती है, खासकर वीडियो कॉल या गेमिंग जैसी एक्टिविटी में। मौसम का असर, अगर खराब मौसम हो जैसे भारी बारिश या बर्फबारी, तो सिग्नल कमजोर पड़ सकता है। इसे इंटरनेट की स्पीड पर भी फर्क पड़ सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है और क्यों इसके पीछे इतनी बड़ी कंपनियां भिड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ एलन मस्क और एयरटेल इसे भारत में लाने के लिए एक साथ आए हैं, वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो ने अपना अलग रास्ता चुना है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट की जंग में जीत किसकी होती है और भारत में इसका फायदा किस तरह से उठाया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सिखाया गया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।